नरूटो 2.5 साल बाद वापस आ चुका है हिडन लिफ विलेज में, जहां आज करना है उसको बेल्ट टेस्ट, वो भी काकासी के साथ व्हाइट टेस्ट जो नरूटो ने बचपन में दिया था। और सागुरो और नरूटो बेल लेने में कामयाब रहते हैं काकासी से। काकासी कहता है मुझे गर्व है इस बात। जहां दूसरी तरफ सैंड विलेज में गारा को हमारा देदरा लेके निकल जाता है और उसके पीछे जाता है गारा का भाई जिसका नाम है कांकरू। उसे बच्चे आने सासुरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और देदरा लेके निकल जाता है गारा को वहां से भी आगे, वो भी अपने उड़ने वाले पक्षी पे बैठ के। सासुरे कांकरू के अंदर जहर डाल के निकल जाता है आगे की तरफ, लेकिन सैंड विलेज के लोग ले आते हैं कांकरू को वापस और वो मौत के लगभग करीब रहता है। जो जहर है उसका कोई एंटीटोड अभी तक बनाया ही नहीं गया। सभी लोग परेशान होते हैं, तो फिर हमारे बड़े महान आदमी फैसला करते कि उन्हें जाना होगा ग्रानी चीरो के पास, जहाँ ये खबर हिडन लेव तक पहुँच जाती है। सुनाडे फैसला करते है कि नरूटो काकाशी साकुरा जाएंगे सैंड विलेज की तरफ। वहीं रास्ते में नरूटो को मिल जाती है टिमारी। फिर अगली जो टीम जाती है उन लोगों के पीछे वो है हमारी माइट गाय की टीम। और उसी समय गारा के अंदर से वन टेल को निकालने के प्रोसेस चालू हो चुकी है, जहाँ सारे आकाश के मेंबर अपने जुस्सू परफॉर्म करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं गारा के अंदर से उसका वन टेल, जिसे निकालते ही गारा की मृत्यु हो जाएगी। नरूटो पहुँच जाता है वहाँ पे, जहाँ पर ग्रानी चीरो हमला कर देती है काकाशी के ऊपर, वो भी व्हाइट फैंग कहके। लेकिन नरूटो साहब बेहतरीन आदमी, तो अपने टीचर को बचाने के लिए कूद जाता है सामने की तरफ। भिड़ने के बाद चीरो से मानता है कि दम तो है इनके अंदर। फिर थोड़ी सी बात के बाद हमारे साकुरा अपना काम करने लगती है, वो है मेडिकल निंजा, बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, तो ये हमारे लिए नहीं बल्कि कांकुरो के लिए दवाई बनाती है और वो पी के उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। पर अभी भी जहर का असर खत्म करने का कोई तरीका नहीं मिला इनके पास। जहाँ काकाशी बताता है कि व्हाइट फैंग कौन है, वो उसके पिताजी थे और उसके पिताजी ने ही जो चीरो है उनके बच्चे को मारा है। जहाँ पे साकुरा कांकुरो को ट्रीट करके ये सारे लोग निकल जाते हैं ढूंढने वो भी गारा को, जहाँ ग्रैंड चियो भी उन्हीं के साथ निकल जाती है क्योंकि इनको कोई चाहिए सैंड विलेज से। और रास्ते में उन लोगों को मिल जाती है माइट गाय की टीम और सब लोग फैसला करते हैं जाएंगे हम लोग अंदर। और ये सभी लोग अकास्की के हाइड आउट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रखा है हमारी गारा को। और गारा के अंदर से टेलवेज निकालने की प्रक्रिया आखिरकार खत्म हो जाती है और जमीन पे पड़ी है गारा की बॉडी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी लोग उस गेट को तोड़ देते हैं और अंदर देखते हैं और वहाँ पे हैं सिर्फ दो लोग, वो हैं हमारे सासुरी और देदरा, जिनके सामने हमारे बेहतरीन लोग। देदरा का पक्षी भरता है गारा को अपने मुंह में और ये लोग लेके निकल जाते हैं। काकासी उसे देखता है और कहता है कि हम जा रहे हैं इनके पीछे। नरूटो भी चला जाता है उन्हीं के पीछे और यहाँ पे हैं सिर्फ दो लोग, वो है हमारी ग्रैनी चियो और उसी के साथ साथ साकुरा। दोनों लड़ने की कोशिश करते हैं सासुरी से। और कौन है सासुरी? इन्हीं का पोता है जिनका नाम है चियो। और बस बहुत सारी लड़ाई और संघर्ष के बाद आखिरकार ये लोग हराने में कामयाब होते हैं सासुरी को, जहां बाद में पचलता है कि सासुरी ने अपनी इच्छा से अपनी मौत को गले लगाया था। आगे बढ़ते हैं तो काकाशी और नरूटो आखिरकार गारा को बचा लेते हैं अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके। टेटरा इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो भाई साहब पूरी जगह को ही उड़ाने की कोशिश कर देता है। उसके साथ उसका एक हाथ भी चला जाता है, लेकिन हमारे काकाशी यूज करते हैं अपनी मांग कि उस शारिंगान का उनके पास है, जिससे इस्तेमाल करके वो एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खोल देते हैं, जहाँ पे वो पूरा पूरा ब्लास्ट टेलीपोर्ट हो जाता है। काकाशी कहते हैं बड़ा दर्दनाक था हमारे लिए, मुश्किल है भाई साहब, बहुत चाकरा लगता है इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए, पर हमें टैलेंटेड आदमी तो हम कर सकते हैं ये काम। जहाँ ग्रैंड चीरो फैसला करते कि वो अपनी आत्मा को त्याग के गारा को जिंदा कर देंगे, और नरूटो के चाकरा का यूज करके वो रीएनिमेशन जुत्सु का यूज करती है, जिसके बदले किसी युग को मरना होगा ताकि कोई दूसरा मरा हुआ वापस आ सके। ये अलग तरीके का एनिमेशन, जहाँ पे गारा जाग जाता है अपनी मौत से बाहर, जहाँ सभी लोग देख के इसे खुश होते हैं और सब लोग वापस लौटने की तैयारी करते हैं एक दूसरे के साथ। जहाँ पता चलता है कि देदरा भी जिंदा है और वो टोवी की गर्दन दबाने की कोशिश करता है अपने पैरों के बीच, कहता है कमीने तुझे आना नहीं चाहिए तो पहले, जहाँ कहता है कि मैं अब से आपका नया पार्टनर हूँ सासुरी के बदले। जहाँ कहानी में आगे हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है साई और एक और आदमी जिनका नाम है यमेटो, ये सब निकल जाते हैं उस मिशन पे जिसका नाम है सासुके को ढूंढना। और जो यमेटो है वो रिप्लेसमेंट है हमारी काकाशी का, तो संभाल के चलना भाई साहब। पर अभी सासुके को उतनी कोई इज्जत है नहीं, तो ये लोग निकल जाते हैं सासुरी के कोई इंटेल है उसको पकड़ने, क्योंकि इनका मेन मकसद था सासुके और बस उसी के पीछे पहुंचने तक के लिए इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई साहब। और इशिमारू की पहचान है ना इन लोगों से अकास्की से, इसलिए यमेटो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सासुरी वाले कपड़े पहन वहन के निकल जाता है उसको धोखा देने, जिसका नाम है इंटेल था भाई साहब, जो जानकारी देगा वो भी इशिमारू। लेकिन बान बचलता है वो कोई और नहीं बल्कि कबूतो है, जहाँ पचलता है कि कबूतो कंट्रोल में नहीं है इशिमारू के, और वो हमला कर देता है सासुरी के ऊपर। और इशिमारू भी दिख जाता है हम लोगों को वहीं पे, तोड़ दिया है उसने उसका गेंजुत्सु। नरूटो साकुरा और साई तीनों लोग पहुंच जाते हैं यमेटो को बचाने, और इसमें दिमाग साधा पागल तो है ही, तो नरूटो को उकसाता है उसका नाइन टेल का यूज करने के लिए और नाइन टेल क्लॉक नरूटो के ऊपर बनने लगती है और नरूटो का गुस्सा
बच्चा आगरा के फार्म में बाहर आने लगता है, भिड़ने की कोशिश करता है ओरिचिमारू से। ओरिचिमारू शक्ति तो है उनके पास, लेकिन बुद्धि उद्धि नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि ये थर्ड ओकाके के दोस्त है। ये भी बात सही नहीं है क्योंकि ये जिराया के दोस्त हैं, थर्ड ओकाके के स्टूडेंट है। यमटो को रखने का मेन मकसद यही था कि वो नारुतो के क्लॉक फॉर्म को कंट्रोल में रख सके, इसलिए वो अपना जुस्सू परफॉर्म करता है सप्रेस करने के लिए नारुतो का क्लॉक फॉर्म, और जुस्सू को फर्स्ट होकागे ने बनाया था नाइन टेल को सील करने के लिए। इन्हीं सब के बीच हमें पता चलता है कि साई पार्टनर कर चुका है किबीटो के साथ या कबूतो के साथ, और वहाँ पे ओरिचिमारू भी है। तो यही था असली दल बदलू धोखेबाज, यही अब बन गया है। तीनों लोग निकल जाते हैं अपने हाइड आउट की तरफ। यमटो यूज करता है अपने वुड स्टाइल जुस्सू का और उसके पीछे छोड़ देता है एक लोन की वो पता कर सके कि इनका हाइड आउट है तो है कहाँ। सभी लोग घुस जाते हैं अंदर कि कहाँ है हमारा सास्के। वो लोग साई को ढूंढ लेते हैं और पचलता है कि साई इन लोगों को धोखा नहीं दे रहा था बल्कि वो इन्हीं के साथ था, इनके साथ मिलके वो इसके दोस्त को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसका नाम है, जानते हैं नाम भाई, सास्के उचिहा। साई सास्के को ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो सास्के है जहाँ ये तीनों के तीनों भाग के जा रहे हैं कि ये आवाज आई तो आई कहाँ से। फिर इन सबको देखने को मिल जाता है सास्के, और ये शिपुडेंट के पहले एपिसोड में सीन था भाई साहब, हमने जब देखा था। और फिर इन लोगों के होती है बातचीत। नारुतो नहीं सास्के यूज करता है अपने मांगा क्यों का मांगा क्यों शारिंगान, और घुस जाता है नारुतो के दिमाग के अंदर जहां उसको देखने को मिलता है कुरामा की ओरा, और बात करता है वो कुरामा से। कुरामा कहता है कि भाई यार तुम देखने में कुछ कुछ मदरा जैसी तुम्हारी ओरा है। कहता है कौन है ये, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। कहता कि अगर दोबारा कोशिश की इसको मारने की तो मुझसे बहस नहीं होगी भाई साहब, जान से फाड़ देंगे तुम्हें अंदर से। खौफ तो नहीं आता सास्के के अंदर, पर पता है कि वो कुरामा है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ओरिचिमारू के साथ और कबूतो के साथ निकल जाते हैं ये लोग आगे, क्योंकि सास्के की इच्छा नहीं है अभी भी वापस जाने की अपने विलेज। नफरत उपरत हो गई है इनको। हमारे नारुतो वापस जाते हैं हिडन लीफ विलेज और अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं शक्तिशाली होने की। इनको कंट्रोल करना है अलग अलग चाकरा नेचर पे, ये ज्ञान हमारे दिया है काकासी ने कि कैसे वो चिडोरी बनाते हैं। वैसे ही नारुतो कोई नया जुस्सू भी क्रिएट कर सकता है दो चाकरों को मिला के एक नया चाकरा बनाने के लिए। स्टाइल यार, विंड स्टाइल वाटर स्टाइल जैसे मजाक। और वो अपनी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए शैडो क्लोन्स का यूज करता है, क्योंकि शैडो क्लोन्स यादें ट्रांसफर करते हैं अपने ओरिजिनल के पास। उसी समय के दौरान दो आकाशकी मेंबर निकल जाते हैं लर्न फायर पे, क्यों, टेल बीस्ट को ढूंढने। और जैसे हिडन लिफ्ट के लोगों को पचलता भाई साहब, वो लोग भेज देते हैं रक्षा करने के लिए। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं उस जगह को बचाने के लिए जहां हिडन अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके आसुमा को मार देता है, वो भी शिकिमारू की आंखों के सामने, और शिकिमारू कुछ नहीं कर पाता। जहां टोजी उसे लेके निकल जाता है और हमें बहुत सारी कौवे दिखते हैं, इटाची आए हैं क्या। और हिडान और काकुजा भी यहाँ से वापस निकल जाते हैं अपने काम के लिए, क्योंकि काम की कमी नहीं है उनके पास, पैसे कमाने हैं इनका मेन मकसद, एक का तो है दोनों का पता है। शिकिमारू फैसला करता है कि वो अपने टीचर के मौत का बदला उन दोनों से जरूर लेगा, इसलिए सुनाटे फैसला करती है कि इनोचोजी और काकाशी ये सब जाएंगे शिकिमारू के साथ, और सब भिड़ जाते हैं जाके हिडान से और काकुजा से। शिकिमारू शैडो पोजीशन जुस्सू का यूज करके हिडान को ले जाता है उस जंग के मैदान से बहुत दूर मारने के लिए, जंगल के बीच जहाँ किसी ने देखा ही नहीं कि कहाँ है ये, क्योंकि हिडान मर नहीं सकता, वो अमर है। तो भाई साहब खोद देते हैं गड्ढा और डाल देते हैं ऊपर से मिट्टी, इस जगह को किसी ने देखा नहीं तो इनको निकाल भी नहीं सकता कोई बाहर, यानी कि नारुतो के बाद भी बरुतो में भी जिंदा होंगे, हो सकता है वापस आ जाए, रीएनिमेशन तो इनको लाना मुश्किल है। इस लड़ाई के दौरान नारुतो पहुंच जाता है वहां पे और बना के नया जुस्सू जिसको कहता है रासिन शुरिकन जुस्सू, और हमला करता है काकुजा के ऊपर और खत्म कर देता है उनको अंदर से। क्योंकि जुस्सू का कमाल ये है कि भाई साहब ये तलवार जैसे रहते हैं, कई सारे ब्लेड्स काट देते हैं सामने वालों को, मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल पे। और आगे चल के ये जुस्सू फॉरबिडन जुस्सू बन जाता है, क्योंकि हमारे सुनाटे बताती है कि ये जुस्सू ठीक नहीं है इस्तेमाल करने लायक किसी एक के लिए। नारुतो तो इसे झेल पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर कुरामा है, कोई और इसे कर भी नहीं पाएगा। जहाँ हमारे हिडान को तो जानते हैं कि उड़ाया जा चुके हैं और गड्ढे उड्ढे में भर देते हैं उनको ताकि वो जिंदा ना हो पाए दोबारा, क्योंकि अमर है ना वो। आगे पर चलता है कि ओरिचिमारू की तबीयत खराब है, पर इनकी तबीयत नहीं इनकी बॉडी खराब है, क्योंकि इनको हर 6 महीने के अंदर लगभग बॉडी बदलती रहनी चाहिए, यही इनका काम है, यह कह सकते इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। किबीटो यार उनको देता है दवाई या चाय दे रहा है क्या। सास्के समझ जाता है कि अब उसका समय आ चुका है, और जैसे ही हमारे ओरिचिमारू अपना जुस्सू परफॉर्म करते हैं कि वो सास्के की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर सके, लेकिन उस जुस्से की यही कंडीशन है कि जो ताकतवर होगा बॉडी उसकी हो जाएगी। तो बस जीत जाता है वो ओरिचिमारू से उस दुनिया के अंदर और ले लेता है
उसकी जान और बस। और ओरोचिमारू को मार देता है उस दुनिया में, उसकी बॉडी पे टेक ओवर करके उसकी शक्तियां भी मिल जाती है उसको। तो फिर वो बनाता है एक नई टीम जिसका नाम रहता है बिना में, बड़े अजीब नाम है यार, जिनमें है हमारी कारीन और मिस्टर वाटर वाले आदमी पानी बन जाते हैं भाई साहब, और एक पत्थर वाले आदमी जिनकी दूसरी पर्सनैलिटी लगती है दूसरी जैसी पर्सनैलिटी तो खतरनाक है, एक का नाम है युगो और एक का नाम है सुगेशु, जो पानी वाला है उसका नाम है सुगेशु भाई साहब। फिर आगे हमें देखते हैं टोबी और देदरा साथ में आए हैं किसको मारने, एक ही तो इंसान है जिसके पीछे सब पड़े हैं पूरी सीरीज में, वो है हमारा सास्के, पर सास्के सास्के है तो देदरा को दे दनादन दबा देता है, लेकिन देदरा भी कमाल रहता है अपने आप को मारने से पीछे नहीं उठता, तो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन सास्के को कम समझे है क्या, उसको यूज करता है समनिंग जुस्सु, बुलाता है बड़े से कोबरा को, अभी कोबरा है कि नहीं है इसके बारे में हमको नहीं पता, पर वो अपने मुंह में डाल के उसे बचा लेता है, वो नफरत करता है उससे यार, और वो मर जाता है, और यहाँ हमारे सास्के ने परफॉर्म किया है, इसको कहते हैं समनिंग जुस्सु। सामने दिखता है उसकी टीम का एक मेंबर सास्के की, तो ये कौन है पानी वाला आदमी जिसके पास है जाबुजा की तलवार, जहाँ दूसरी तरफ हिडन लीव में पता चल जाता है कि ऐसे कुछ माहौल हुए हैं, और ये लोग निकल जाते हैं वो भी ढूंढने, किसको, सास्के को, उचिहा को, जहाँ इटाची से मिलता है हमारा नारुतो, और इटाची ढाई देता है उसको अपने सामने और कहता है कि तुम यार मेरे भाई के इतना प्यार कर रहे हो, है इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो भाई सब मेरे भाई से, तुम यार उसके पीछे पीछे टहल रहे हो, करना क्या चाहते हो तुम, पर नारुतो की अच्छी फीलिंग सुन के इटाची उसे एक कौवा दे देता है जो उसके मुंह में घुस जाता है और वहां चला जाता है, जहां आखिरी बात करके हमारे जिराया वो भी सुनाटे से चले जाते हैं एक दूसरे विलेज जो है विलेज ऑफ रेन, क्योंकि हिडन रेन विलेज में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी ऐसा देखने में लग रहा था, इसलिए जिराया देख रेख नहीं बल्कि देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है उस जगह पे, और वहां पहुंच के वो फाइट करते हैं कोनन से, जो है पेपर बनने वाली लड़की जिसको इन्होंने बचपन में सिखाया है, मतलब ये इनकी स्टूडेंट ही है। फिर हमें दिखते हैं पांच नहीं बल्कि छह सामने बड़े आदमी, और वो सब है पेन, और ये सभी अकाशकी के मेंबर है, सभी तो नहीं, ये जो दो है यानी कोनन और पेन ये कास्की के मेंबर है, जो पांचों हैं इनका ही नाम है पेन, और बस पांचों मिलके हमारे जिराया को मौत दे देते हैं, क्योंकि लड़ाई करते हुए जिराया सोच रहे होते हैं कि ये वही बच्चा है जिसे इन्होंने सिखाया है, और एक प्रोफेसी है जिसे सत्य करना जरूरी है, इसीलिए देखने में नहीं लगता कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लड़ने, वो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल तो करते हैं पर शायद उन्हें कुछ रोक रहा था, क्योंकि ये भी बच्चा नारुतो जैसा है, और जो भी प्रोफेसी है उसे कोई ना कोई पूरा जरूर करेगा, या तो नारुतो या तो ये बच्चा जिसका नाम है नागाटो। लेकिन मरने से पहले जिराया सेंसेई वो अपने मेडक पे कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, और उन्हें भरोसा रहता है कि कोई ना कोई इसे पहचान जाएगा, जहां आगे चल के हमें देखने को मिलता है इटाची उचिहा, क्योंकि वो पहुंच चुका है इटाची के हाइड आउट पे, जहाँ इटाची बैठा है आराम से इंतजार कर रहा है सास्के से लड़ने के लिए, और बस उस लोकेशन पे हमारा सास्के पहुंच जाता है, और वहाँ पे उसे मिलता है किस्सा में जिसके पास है सार्क वाली तलवार, लेकिन हमारे सास्के को जाने देता है, क्योंकि सास्के को जाने की परमिशन भाई साहब उसके भाई की जगह है, लेकिन सास्के की टीम मेंबर्स को नहीं, क्योंकि किस्सा में रोक लेता है उन लोगों को, कहता तुम लोग नहीं जा सकते, सास्के भाई है उसका जिसका नाम है इटाची, और सास्के पहुंच जाता है उस जगह पे, कहता कहाँ हो मेरे भाई कहाँ हो, फिर दोनों एक दूसरे से करते हैं जंग, मारते हैं एक दूसरे के घोसा, और अंत में जाके वो होता है जो कोई नहीं सोच सकता, जहाँ सास्के यूज करता है अपना सबसे शक्तिशाली चमत्कारी जुस्सु जिसका नाम है चिडोरी, ये चिडोरी नहीं है भाई साहब, ये चिडोरी का भी अपग्रेडेड वर्जन है, और देखने में लगता है कि सास्के मार चुका है अपने भाई को जिसका नाम है इटाची उचिहा, पर बस थोड़ी देर बाद खड़ा हो जाता है हमारा इटाची, कहता है तुमको लगता है कि तुम हमको हरा पाओगे, सही लगता है तुमको लेकिन अभी नहीं, फिर इटाची दिखाता है अपनी ताकत की वो कहां से कहां पहुंच चुका है, और निकालता अपना सुजानो हाफ बॉडी सुजानो, सास्के कहता लगता है मैं नहीं इसे हरा पाऊंगा, लेकिन फिर वो यूज करता है ओरोचिमारू की शक्तियों का, निकालता अपने अंदर से नागों के नाग, लेकिन पता चलता है कि ये जो नाग हैं वो ओरोचिमारू है भाई साहब, किसी कज़मार्क से ओरोचिमारू वापस आ सकते, इसीलिए
इसलिए इटाची सीधा अपने सुजानों की तलवार डाल लेता है ओरिशिमारू के अंदर और वो बंद कर देता है एक बोतल के अंदर उसको। बीन बजाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बोतल की शक्ति यही है कि जिसको छू दिया या जिसने बोल दिया उसका नाम वो घुस जाएगा उसके अंदर बोतल के भाई साहब। और वो बोतल इटाची के सुजानों के तो उसी के अंदर और गायब। फिर क्या, इटाची मरते मरते अपने भाई को गले लगाने की कोशिश करता है, चला जाता है यार जिंदगी को छोड़ के। सारी लड़ाई देख रहा होता है हमारा जत्सु और फिर कुछ देर बाद ये गायब होकर पहुंच जाता है टोबी के पास और कहता है कि इटाची हार चुका है। टोबी कहता है हैं, मुझे पता ही था। फिर हमें दिखता है ओबीटो जो कि पकड़ चुका है सास्के को और कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई कौन है, महान आदमी है वो। कहता है झूठ बोल ले भाई साहब, उसने मेरे पूरे विलेज में इशिया खानदान को उड़ा दिया है, महान कैसे हो सकता है। कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे भाई ने पूरे फैमिली को उड़ा दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी मारा है ताकि तुम सुरक्षित रह सको, क्योंकि विलेज पे हमला करने वाले थे उचिहा खानदान और ये होकागो को पहले से बात पता थी, तो उन दोनों के बीच डील हुई थी कि सास्के को वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे अगर इटाची पूरे उचिहा खानदान को ही खत्म कर दे, और बस इटाची तुम्हें बचाने के लिए उसने सबको मार दिया, यहाँ तक कि अपने मदर और फादर को भी। कितना मुश्किल होगा उसके लिए, समझ रहे हो ये। इस बात को समझने के लिए, इस बात को सास्के के दिमाग को प्रोसेस करने में बहुत समय लगता है। तुम झूठ बोल रहे हो, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके भाई के लिए फिर से इज्जत वापस जाती है कि शायद ये सच भी बोल रहा है, क्योंकि इटाची ने सास्के की एक आंख में अपना जुस्सु प्लांट किया था। जैसे ही वो टोबी की आई को देखे वो अमाट्रासू का यूज कर दे उसकी आंख अपने आप, इसीलिए टोबी वापस आके ये ज्ञान देके जाता है इसको कि ऐसी ऐसी बात है। उस चीज को सुन के दुखी तो हो जाता है हमारा सास्के, रोते रोते फैसला करता है कि अब लिफ विलेज को मैं चटाऊंगा जमीन, जमीन के 200 मीटर दूर गाड़ दूंगा, दूर तो नहीं अंदर। और भाई साहब अचीव कर लेते हैं अपनी मांगा के उस शारिंगान, फिर पहन लेता है आकाशकी के कपड़े क्योंकि ज्वाइन कर चुका है आकाशकी जो कि नहीं चाहता था इटाची कभी भी, लेकिन अब वो नहीं रहा तो भाई साहब मनमर्जी कर रहे हैं, कर तो पहले भी रहे थे। और इनका पहला मिशन रहता है वो है एट टेल को पकड़ना और वो है किलर बी के अंदर, और ये लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ एट टेल और उससे लड़ना है, और सास्के के अमाट्रासू नहीं बल्कि उसकी आग का इस्तेमाल करके वो मल्टीपल चीजों का यूज करके उठा देता है किलर बी को, ऐसा देखने में लगता है। पर जैसे ही वो लोग उस बॉडी को लेके जाते हैं पता चलता है कि वो एक क्लोन था, पर वो फिजिकल क्लोन था, वो उसका एक छोटा सा टुकड़ा था ओरिजिनल वाले का। आगे पता चलता है कि नारुतो दुखी हो चुका है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि जिराया सेंसेई अब इस दुनिया में नहीं रहे, और बस हमारा नारुतो डिप्रेस हो जाता है क्योंकि उसका दिमाग भी इस बात हजम करने में बहुत तकलीफ ले रहा होता है कि क्या ये सच में हो चुका है, जिराया सेंसेई नहीं रहे। और वहीं पे हमारे वो मेढक भाई सब दिखाते हैं कि हाँ ये सारी चीजें हैं यार, किसी को पता है कि इन कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है। 106 हमारे आकाशी को पता रहता है कि वो क्या है, उनकी बुक में एक पेज नंबर, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं। तो बस ये लोग यूज करते हैं उस इंफॉर्मेशन का, जहाँ दूसरी तरफ नारुतो पहुंच जाते हैं मेढक वाली दुनिया में यानी टोड यूनिवर्स में, जहाँ द ग्रैंड टोड सिखाते हैं उनको कि कैसे कंट्रोल करना है सेज मोड को, जिससे नारुतो हमारे बन सकते हैं और भी ज्यादा ताकतवर। पर उनके अंदर रह रहे हुए कोरामा की वजह से वो सेज मोड को परफॉर्म नहीं कर सकते अपने ऊपर किसी को बैठा के, यानी वो मेढक को बैठा के, तो वो अलग तरीका सिखाता है उसको उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। नारुतो जहाँ ट्रेन हो रहा है उस दूसरी दुनिया में जहाँ पे मेढक यूनिवर्स है, वहीं पे हिडन लिप पे हमला कर चुके हैं पेन, और वो समन करते हैं एक दो मुंह वाले जानवर को जो कि गलत था, तीन मुंह वाला है, और ये है हमारे पेन जो कि पांचों हैं। पांचों को एक नाम में पेन कहते हैं, बस आ जाते हैं तबाह करने हिडन लीफ विलेज को। नाम क्यों है हिडन भाई, सबके नाम के आगे हिडन लगा दे रहे तो गायब थोड़ी हो जाएगा, वो दिख तो रहा है सबको। पर फिर हमारी साकुरा यूज करती है अपने समनिंग जुत्सु का, नारुतो समनिंग जुत्सु, बुलाती है नारुतो को, पहुंच जाता है हमारा नारुतो वो भी तीन मेढकों के साथ, बहुत बड़े नहीं है ये, और तीनों है लड़ने में बेहतरीन टॉप नॉच क्वालिटी, क्योंकि हमारा नारुतो सीख चुका है सेज मोड, तो बढ़ जाता है पेन के सारे वर्जन से एक एक करके, बल्कि एक बार में पांच पेन को ढाईने के बाद नारुतो अभी दर्द के अंदर है क्योंकि एक पेन ने गाड़ दिया है उसके हाथ पे हाथ, वो भी एक रॉड से जो कि पेन के पास। फिर क्या, नारुतो को बचाने पहुंच जाती है हिनाटा, लड़ने की कोशिश करती है, पेन उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, नारुतो इस चीज को देख के गुस्सा आता है, फिर क्लॉक फॉर्म निकलती है नारुतो के अंदर से क्योंकि नारुतो अपने गुस्से का कंट्रोल नहीं कर पाता, तभी निकलती है उसकी क्लॉक फॉर्म बाहर, और फिर अपने दिमाग के अंदर पहुंच के वो उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहां पहुंच जाते हैं उसके पिताजी, देते हैं चार ज्ञान की, पहचाने कौन बेटा, पिताजी हैं हम तुम्हारे मिनाटो यूमाकी, नहीं बल्कि मिनाटो नामकाज़े, देखो मैं असली वाला तो हूं नहीं,
तो ये एक याद की तरह समझ लो, एक जुस्सू है जो तुम्हारे अंदर है कि जब तुम इसको आजाद करने की कोशिश करोगे तब मेरी ये याद तुम्हें दिखेगी। तो जो कर रहा हो बढ़िया काम कर रहा हूँ, लेकिन संभाल के अपने आप को, बस अच्छी ज़िंदगी देना। और अभी ठीक नहीं है नाइनटील को आज़ाद करना, तो क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? नारुतो मान जाता कहता ठीक है, और फिर बन जाता है वो सेज फॉर्म में नारुतो, उतर जाता है मारने पेन को। फिर पेन को ढाईने के बाद सेज मोड की शक्तियों का इस्तेमाल करके पता करता है कि ये चीज कंट्रोल हो तो हो कहां से रही है, और उसे पता चलता है कि ये सारी चीज एक पेड़ के अंदर से कंट्रोल हो रही है। तो पहुंच जाता है उस पेड़ के पास और वहां में दिखता है जिराय सेंसेई का एक पुराना स्टूडेंट जिसका नाम है नागातो, जो नारुतो जैसा होना चाहिए था पर वही कंट्रोल कर रहा है, और यही है द पेन सेवंथ वाला। नारुतो फिर उसको देता है बेहतरीन वाला मोटिवेशन वाला ज्ञान की, भाई साहब यार तुम जो कर रहे हो वो सब ठीक तो है नहीं, लेकिन कुछ बढ़िया काम कर सकते हो क्या? तो कहते ठीक है मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात और कर देता हूँ सारी चीजों को ठीक। और हमारे नागातो मान जाता है कि ठीक है भाई साहब मान गए तुम्हारी बात, और यूज करता अपना जुस्सू जिसका नाम है रेन द रीबर्थ, यानी कि मरे हुए जितने लोग हैं विलेज के अंदर वो सारे लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। क्यों भाई साहब जुत्सु है, जिंदा कर सकते हैं सबको, पर नागातो के पास ज्यादा पावर रहती नहीं है इसलिए उसे अपनी जान देनी पड़ जाती है भाई साहब उनको रिवाइव करने के चक्कर में, वो दे देता है खुशी खुशी। क्यों हमको क्या बताओ, कोने ने उठाती है पेन को और नागातो को ले जाती है वापस ताकि वो उसे गाड़ सके, प्लस नारुतो को दे के जाती है एक बुक है कागज का, बुके भी तो है कागज का हो जाए किसी चीज का। नारुतो पहुंचता है विलेज, मिलती है उसे इज्जत, लोग उसे उठा लेते आसमान में। क्यों नारुतो है वो भाई साहब सीरीज का मेन कैरेक्टर है, कैसे नहीं उठाएंगे ऊपर, इज्जत कैसे बढ़ेगी अगर उठाएंगे नहीं। तो इस लड़ाई के दौरान सुनाटे को गहरी चोट लगती है जिसकी वजह से हमारे डांजो बन जाते हैं नए होकागे, मतलब उनकी जगह जाते हैं भाई साहब फाइव कागे समन में, और वहाँ पहुंच जाते हैं वहाँ सास्के, उन लोगों को रोकते हैं लेकिन सास्के बढ़ जाते हैं उन लोगों को। ये लोग फैसला लेने वाले ना कि सास्के को क्या करना है, मार ही देना है कि नहीं, और वैसे भी सास्के को पता चल चुका है कि उसके भाई को बुरा बनाने के पीछे डांजो का ही हाथ है, इसलिए बस उसके अंदर तलवार डालना चला जाता है वो सीधा हो जाता है। लेकिन इस बात को भूल जाता है कि बाकी कागे हैं वो ऐसे ही नहीं बन गए हैं, बस सब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, क्या सास्के उनको हरा पाएगा? बिल्कुल भाई साहब सास्के ताकतवर आदमी है लेकिन कागे हैं भाई साहब, वो कागे हैं अपनी अपनी जगह के, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। तो उसे बचा नहीं क्योंकि सास्के मरने वाला रहता है। हो जाता है हमारा टोबी उसको बचाने भाई साहब द मास्क मैन आदमी। फिर हमारा टोबी अपना ज्ञान झाड़ता है कि देखो हम करने वाले हैं पांचवी निंजा वार, तो क्या कर रहोगे तुम लोग, पाओगे हमको? क्योंकि हम हैं उचीहा मात्रा और हम करेंगे यूज वो भी सुकिनोमी का द अल्टीमेट गेंजुत्सु। जहां दूसरी तरफ साकुरा आई लव यू बोल लेती है वो भी हमारे नारुतो को, उनके दिल की खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाती उनसे, उनको पता रहता है कि साकुरा उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है ताकि वो सासुके के पीछे छोड़ दे। लेकिन नारुतो थेडे अब बुद्धिमान आदमी, पहले नहीं थे अब हैं, तो मना कर देते हैं साकुरा के प्यार को, बड़ा हो रहा है बच्चा। फिर हमारा टोबी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पहुंच जाता है डांजो के पास, वो भी हमारे सास्के और किरीन नाम है इस लड़की का लेके, और हमें सास्के लड़ते हैं डांजो से क्योंकि डांजो के शरीर के अंदर डालना है उनको अपनी तलवार, तलवार है भाई साहब उसके पास, जिंदा कर रहा हूँ। डांजो का भी दिमाग खराब है तो भाई साहब वो भी यूज करता है अपनी पूरी शक्तियों को, और किसी को पता था कि उसके अंदर उचिया वाली आंखें कुछ ज्यादा ही आंखें एक नहीं है। डांजो पकड़ लेता है करीन को या करीन को, मतलब जो भी है वो जुमाके या कुल मिला के, सोचता है कि नहीं मारेगा सास्के क्योंकि उसके हाथ में है लड़की, लेकिन सास्के सास्के है भाई साहब, कहता है हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना, लड़की भी प्यार करती है सास्के से, तो मान जाते हैं उसके बाद। सास्के तलवार नहीं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तलवार जैसे दिखने वाली कोई चीज डाल देते हैं उनके अंदर जो की शक्ति से बनी है भाई साहब, एनर्जी वाली पावर, चाकरा वकरा कह सकते हो। डांजो मरते मरते भी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जाता भाई साहब एक ऐसा जुस्सू जिससे की जो उसके आसपास सब चले जाए, इंक वाला जुस्सू, पर भाई साहब जो सामने खड़े हैं उनके पास बुद्धियां हैं तो बस अपनी बुद्धियों का इस्तेमाल करके बचा लेते खुद को और कुछ नहीं। फिर हमारी साकुरा पहुंच जाती है अपने दिल पे पत्थर रखे सास्के को मारने, लेकिन नहीं मार सकती ना, प्यार मोहब्बत बड़ी चीज है, और उससे बड़ी चीज है हमारे काकासी क्योंकि पहुंच जाते हैं बच्चाने, सब तो उनके स्टूडेंट है तो कंटाप मार के ही मामले संभाल लेते हैं और कुछ नहीं। लड़की फिर मरने वाली रहती है भाई साहब, लेकिन लड़की के पास उसका दोस्त जिसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी जो उससे प्यार करता है, बस आके बचा लेता है, और कसम से अगर यहाँ मर गई होती ना सास्के के अंदर नारुतो अपना हाथ डाल देता जैसे काकासी ने डाल देते हैं रीन के अंदर। फिर फिस्ट वॉर्म वाली चमत्कारी दुनिया का इस्तेमाल करके नारुतो बात करता है सास्के के उचीहा से, और कुछ नहीं सास्के कुछ पता ही नहीं है कि कोई बात बात भी हुई है, बस दोनों बैठ जाते एक दूसरे से, और सास्के अपनी दोनों आंख खो चुका है इसलिए टोबी आता है उठा के ले जाता है। टोबी कौन भाई साहब? वही मास्क वाला आदमी द मादरा कह रहा था खुद को। तो फिर हमारे टोबी उचीहा करते हैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल और क्या करेंगे ये ऑपरेशन करेंगे आंखों का, वो भी क्या नाम है इनका सास्के, सास्के दोनों आंखें बदलेंगे वो भी इनके भाई की आंखों से, दोनों तो नहीं एक ही बदलेंगे क्योंकि एक आंख उनकी खराब हो चुकी है। और हमें लगा था कि सुनाटो को लगी चोट, लेकिन क्या पता कि सुनाटो कोमा में थे इसलिए तो हमारे डांजो बन गए थे नए होकागे, लेकिन अब डांजो में मर चुके हैं तो फिर से ये हो गए होकागे। देखा
सेवंथ फिर से वापस आ गई। सेवंथ तो नहीं है, कौन से होकर गए हैं, पांचवी है। सुनाडा देती है नए मिशन वो भी नारुतो को किलर बी के साथ जाने पे, वो भी एक आइलैंड पे। क्यों, आइलैंड बढ़िया है ना, इसलिए देखने में अच्छा लग रहा है भाई साहब। सुरक्षित रखने के लिए जाते हैं नारुतो को, सुरक्षित रहे नारुतो। फिर क्या, नारुतो घुसता है अपने अंदर और लड़ता है अपने नाइन टेल से। क्यों, कंट्रोल पाना है उसको भाई साहब, ताकत चाहिए ना और ज्यादा लड़ने के लिए कि नहीं, बिना ताकत के कैसे लड़ेगा। ये पूरी सीरीज इसी के नाम पे है, नारुतो द शिपुडेंट। शिपुडेंट का मतलब हमको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, सच में मजाक नहीं है, सच में बोल रहे, शिपुडेंट का मतलब हमको नहीं पता मेरे भाई। फिर यूज करता है अपने अंदर रसिंगन का, मिलता है अपनी मम्मी से, कहते हैं आप नाइन टेल है क्या, ओरिजिनल फॉर्म उसकी। मारती है कंटाप, कहते बेटा यार भूल गए क्या, इससे याद रहेगा यार, पैदा होता सब छोड़ चले गए थे इसको। लेकिन बस दो चार प्यार मोहब्बत की बात है, और सिखाती है कैसे कंट्रोल करना है चाक्रा, वो भी नाइन टेल का। अब बस नारुतो क्या करता है कि नाइन टेल के चाक्रा को भी टुकड़े करना चालू कर देता है, मतलब उसका एक हिस्सा निकालता है अपने लिए अलग से बांध कर रख लेता है, देखो ये रही मैं छोटी स्थिति, इससे हम निकालते रहेंगे अपने चाक्रा। ताकत तो वो भी है, नॉर्मल से तो बहुत होगी। और नारुतो अखबार कर लेता है अपना, क्या नाम, बाइनरी मोड, हाँ बाइनरी कहते हैं। अंदर उसका नाम रहता है समहाड़ा वाली तलवार जो चलाता है, इसका नाम क्या था, किसमय। अब बस भागने की कोशिश करता है वहां से, लेकिन इनको पता नहीं है कि हमारे पास माइट द गाय, ऐसे आदमी जो ढाईने वे आ गए ना कि टाइजुत्सु है, इनके ऊपर कोई है भी नहीं, लिखा ही नहीं है किसी मोटो ने इनसे बेहतर इन किसी को टाइजुत्सु के मामले में। इनके पिताजी थे शायद, ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया, लेकिन किसा में था या किसा में आदमी, तो किसा में यूज करता वाटर प्रेजेंस जुत्सु और यूज करता सार्क। सार्क लेके भाग जाती है यहां से, क्योंकि उसको कुल मिला के इंफॉर्मेशन पहुंचाने बाहर की दुनिया में, जहां है हमारे टोबी। टोबी को देना है उनको जानकारी, क्यों, टोबी है आदमी इंसान है भाई, वो जिंदा जागता जीता जागता इंसान है। हमको दिखता है टोबी जिसके सामने खड़ी है कौन, लड़की जिसका नाम है, नाम क्या था इसका यार, और लड़की का नाम है कोनन, जो कि यूज करते हैं पेपर जुत्सु का और हमला कर देती है। जानते हो क्यों खड़ा है, क्योंकि इसको चाहिए नागाटो की बॉडी, क्योंकि उसके अंदर रेनिंगन, इनको चाहिए रेनिंगन, क्योंकि अपनी आंखें बदलवाना चाहते हैं भाई, जब इनकी आंखें खराब नहीं है, पर ताकतवर चाहिए तो रेनिंगन ताकतवर है, इसीलिए मांगता है, मना कर देती लड़की, बस भिड़ जाते एक दूसरे से और यूज करता अपने जुत्सु का जिसका नाम है, बहुत बुरी तरीके से मारता है भाई से कोनन को, और डाल देता है गेंजुत्सु के अंदर, कहता बताओ कहां है वो, बस पता कर लेता है कहां है हमारे नागाटो, और जाता है निकाल लेता है उनकी एक आंख, दोनों आंखें वैसे तो, लेकिन एक आंख लगा लेता है अपने अंदर, क्योंकि उनकी एक आंख कम है, क्योंकि वो एक आंख का इस्तेमाल कर चुके हैं, मर के वापस आए हैं यार, अमर आदमी है वो। गेंजुत्सु से दूसरी बात थी, लेकिन वो गेंजुत्सु से भी वो पहुंच जाते हैं और उनको मृत्यु दे देते हैं, जिसका नाम है कोनन। कबूतो भाई साहब जो हमारे ओरोचिमारू के दूसरे पार्टनर थे, पहला कौन था, कोई तो होगा ही, जिराया था क्या, पता नहीं, तो थे हमारे किबिटो आदमी या कबूतो जो भी हो, कबूतो हमारे मास्टर कर लेते री एनिमेशन जुत्सु को, फ्लॉलेश भाई साहब, कमी उमी नहीं है अब इसमें। और हमारे मरे हुए डेडरा जो कि क्ले मैन आदमी वापस ले आते हैं, कहते हैं भाई साहब तुम ही तो जो हो, बाकी सब तो मजाक थे। और बस ये लोग करते क्या है कि यमुटो को भर लेते हैं मुंह के अंदर और उठा लाते हैं यमुटो को, करना क्या है इनका यमुटो को यार, यमुटो जानते हो कौन है, नहीं, फर्स्ट ओकागे जो है उनके डीएनए से बना हुआ है भाई साहब, लगभग फर्स्ट ओकागे जैसे, वो स्टाइल करने वाले दूसरा इंसान है, इनके अलावा कोई है भी नहीं, इनसे पहले जो थे हमारे हाशिरामा सेंजू पहले फर्स्ट ओकागे, और इनको उठा के लाए हैं ताकि ये वर्ड स्टाइल की पावर का यूज करके अपने वर्ड जुत्सु के अंदर शक्तियां डाल सके, क्लोन बनाना है बहुत सारे हाशिरामा जैसे। और भाई साहब इतनी लाशें हैं लोग ढूंढ लिए हैं पता नहीं कहां कहां से, तो कर क्या रहे हैं लोग, री एनिमेशन जुत्सु का यूज करके सबको जिंदा कर लेते हैं। बस दूसरी तरफ ये लोग पूरी पूरी सेना बना लेते हैं, क्यों, फिफ्थ ग्रेड निंजा वॉर होने वाली है, मरे हुए लोग वर्सेस जिंदा लोगों के बीच, मतलब लंबी चलेगी जंग, जंग ही तो है, लंबी तो चलनी है, वॉर हमेशा तकलीफदायक होती है भाई, बहुत जाने जा, तो असल में क्या प्लान रहता है कि नारुतो को जाने नहीं देंगे उस आइलैंड से जहाँ पे उसको बांध के रखे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, नारुतो को इससे पता चल जाता है धीरे से, तो बस वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, दोनों नहीं, नारुतो अकेले निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने आते उसके टीचर और मान जाते कि वो उसे रोक तो नहीं पाएंगे, इसलिए जाते हुए एक लेटर भी दे देते हैं नारुतो को, मुझे पता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, पर मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, चाहे जो भी फैसले लोगे वो तुम्हारे लिए होंगे, सही होगा। फिर नारुतो किलर भी साथ निकल जाते हैं, मैं कहता ना दो लोग हैं, भरोसा नहीं हो रहा तुमको खुद पे, लेकिन हम सही थे, लेकिन उनको रोकने अब खड़े हो जाते हैं हमारे सामने और आइकागे और सुनाटे, प्रिंसेस सुनाटे, लेकिन वो वहां से निकल जाते हैं, कमाल आदमी, निकल नहीं जाएंगे क्या। लेकिन सामने देखने को मिल जाता है री एनिमेटेड इटाची जो कि हमला करता है किलर बी के ऊपर, जिनके हाथ में समहाड़ा तलवार, काटे वाली तलवार, और फिर सारे मिलके री एनिमेटेड वाली जुगाड़ को मारने की कोशिश करते, क्योंकि यहाँ नागाटो भी वापस आ चुका है, री एनिमेट हो गए, उनके पास रेनिगन भी है, उनकी खुद वाली रेनिगन, कैसे हो सकता है ओबिटो के पास थी ना वो, भाई सब री एनिमेशन की ताकत आप क्या जाने, हम जानते हैं इसलिए बता रहे हैं।
की तगड़ी चीज है भाई साहब एनिमेशन। लेकिन अभी इटाची के ऊपर है गेंजुत्सु, तो यूज करता है नारुतो के मुख के अंदर से निकालता है कौवा, यूज करता है अपने ही ऊपर वो कौवा और अपने शरीर पे वापस कंट्रोल पा लेता है क्योंकि वो इटाची है यार। बाद पर चलता है कि वो जो आंख में उसके कौवा था वो कौवे के पास भी एक आंख है और वो आंख इसके दोस्त की है जिसका नाम था सिसुई, बेहतरीन आदमी था। कहता है इसको दोबारा मैं तुम्हारे अंदर डाल नहीं सकता क्योंकि मतलब नहीं है ना, इसको रिचार्ज उचार्ज होने में यार कुछ 5-6 साल लगते हैं, इससे ऊपर भी लग जाते तो क्या फायदा है यार तुम्हारे अंदर डालने का, वैसे बड़े तो बहुत हो चुके तुम हैं, जरूरत ही क्या है तुम्हें शक्तियों की। फिर इटाची यूज करता है अपनी शक्ति यानी कि क्या नाम था इसका, सुजनों का, और सुजनों की शक्ति का जो सील कर देती है नगटो को, लेता है गाड़ देता है उसके अंदर एक तलवार और बस नगटो भी सील हो जाता है उस बोतल के अंदर, ये भी बन गया बोतल का जीनी। फिर वो नारुतो को 4 ज्ञान देकर निकल जाता है आगे एक तरफ की, मैं जा रहा हूँ इस जुस्से को तोड़ने जो है रीएनिमेशन जुस्से। हमें दिखता है पहली बार उच्चिहा दा मादरा द ओरिजिनल विलर ऑफ द सीरीज, और जैसे ही उतरता है जंग के मैदान में डाल देता है सबको ऐसे कि क्या बताएं, गाजर मूली की तरह सबको काटना चालू कर देता भाई सब जंग के मैदान में क्योंकि वो उच्चिहा मादरा है, हाशिरामा का दोस्त यार, द फर्स्ट होका गया हाशिरामा संजू, और यूज करता है समनिंग जुस्सु मीटियोर समनिंग, ऊपर से गिरता है एक एस्टेरॉइड, पांचों कागे मिल के रोकने की कोशिश करते हैं उस मीटियोर को, मतलब जगह को ही बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि नॉर्मल इंसान भी तो है। अच्छा फिफ्थ ग्रेट निंजा वॉर हो रही है वहां पे, होंगे कैसे नहीं सारे सारे लोग, बहुत तो हैं सारे को नहीं पता, जहां नारुतो और किलर भी मिल के सारे रीएनिमेटेड 9 टेल नहीं बल्कि टेल बीस्ट वाले ओरिजिनल इंसानों से लड़ रहे हैं, मतलब टेल बीस्ट वाले फॉर्म में, और बस भिड़ते हैं दूसरे से मारते हैं, दूसरे को कंटाप नहीं बल्कि शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत कुछ मारते हैं। और माहौल देख के लगता है कुरामा को कि भाई साहब ये ठीक है नहीं, तो कुरामा भी हाथ मिला लेता है नारुतो से, कहता है देखो बेटा हम दे रहे हैं अपनी शक्ति ठीक है, थोड़ा तमीज से इस्तेमाल करना और हराना तो है इनको क्योंकि हम लोग हैं दोस्त अब ठीक है, मानते हो कि नहीं, हाँ तो बिल्कुल, दोनों साथ मिलके निकल जाते हैं मार रहे हैं सामने वालों को क्योंकि सबको हराना इन लोगों का मकसद है इकलौता, बिल्कुल यही तो है। और खोल देता है पूरी की पूरी सील नहीं गेट अंदर का अपने, और बस बाइनरी मोड ऊपर ही निकल जाता है, बाइनरी नहीं कहते यार इसको, सेज मोड द अल्ट्रा पावर मान लिया। सास्के अपनी आई ट्रांसप्लांट से रिकवर करके निकल जाता है वो भी सुकियोमी नहीं क्या नाम था इसका, सुजनों को यूज करते हुए, बस सुजनो तगड़ा वाला भाई हो गया। हिडन लिव को जमीन चटाने निकल जाता है, पर रास्ते में जाते जाते उसको दिख जाता है उसका भाई, कहते ये कैसे जिंदा हो गया, फिर वापस निकल जाता है अपने भाई के पीछे, भाई प्रेमी है ये। पहुंच जाते हैं जहां से कबूतर कर रहा है सम को कंट्रोल, क्यों कबूतर कर रहा है इसलिए उसको पता है, दोनों भाई एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और बस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कबूतर को हरा देते हैं क्योंकि इटाची कहना है कमी सबके अंदर होती है, बस देखने के लिए नजर चाहिए, और इटाची के गेंजुत्सु सबसे खतरनाक गेंजुत्सु में से एक है, तो यूज करता अपने गेंजुत्सु का कंट्रोल करता कबूतर को और करवाता है रिलीज वो भी रीएनिमेशन जुत्सु, तो इटाची चला जाता है जाते जाते सासुके को, भाई सब खुश वाली बात बता करता कि देखो सारी गलती अब तुम्हें पता है कि मेरी नहीं थी, तो फिर खुश रहना और क्या मजे करो बेटा। मादरा पहली बार खौफ में ये क्या हो रहा है मैं जा रहा हूँ वापस, लेकिन भाई कमाल काम यही करता है वो, जानते हो क्या करता है, रीएनिमेशन को बीच से ही तोड़ देता है, मतलब बॉडी निकलने वाली रहती है बाहर और वो रोक देता है बीच में रीएनिमेशन को, कैसे हो रहा है ये पता नहीं, बुद्धि है यार उसके अंदर कुछ ज्यादा ही है लगा नहीं था। तो सास्के के दोस्त दोनों आ जाते हैं युगो और वो पानी वाला आदमी यार, ले जाने सास्के को क्योंकि सास्के तो वापस आ चुका है ना, आंख वाख ठीक हो गई तो काम अपने निकलते हैं, ग्रीन को भी ढूंढना है इनको है कि नहीं, लड़की तो है ढूंढना तो है काम है ना इनको। अब बस इनके ऊपर था चाकरा कर्स जो मार्क था जो ऋषि मारो ने दिया था उसका यूज करके ये लोग निकालते हैं अंदर से बाहर वो भी ऋषि मारो को, क्यों काम है हमारे दोस्त को क्या काम है अब देखते जाओ हम बता रहे हैं क्या काम है। जहाँ दूसरी तरफ नारुतो भिड़ा हुआ है हमारे सामने टोबी से और वो भी अपनी शक्ति वाली फॉर्म में, मतलब येलो येलो यार पीला पीला होके आग नहीं एनर्जी निकल रही बॉडी से पीली कलर की। नारुतो आखिरकार अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके टोबी का मास्क तोड़ने में कामयाब हो जाता है क्योंकि वो टोबी है, पर वो बोल रहा है कि उसके सामने नारुतो है इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, और देखने में पता चलता है कि ओ माय गॉड ये तो काकाशी के बचपन का दोस्त है जिसका नाम है उचिहा ओबीटो है यही है क्या। पर जैसे ही ये बात पर चलती है मादरा वहां पहुंच जाता है उनको बचाने और बताता है कि 5 होकागे को ढाई के आया है वो, फिर क्या ओबीटो उठते जाते हैं मारने काकाशी को, फिर ओबीटो समन कर लेता है 10 टेल के हस्क और नारुतो को बचाने के लिए नेजी अपनी जान दे देता है, और उचिमारू की बुद्धि का यूज करके सास्के रिकवर करवा लेते हैं उन सभी लोगों को जो कि बंद थे डेड रेपर सील में और वहां थे हमारे चारों होकागे। सास्के थोड़ा सा ज्ञान लेता है 1 होकागे से और वो समझाते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं, और फिर ये लोग निकल जाते हैं विलेज को बचाने, और फिर से पूरी टीम 7 बन
जाती है और लड़ने जाते हैं तीनों के तीनों, यूज करते हैं डेडलॉक का। कौन है ये? जब तीन लोग इकट्ठा होने को डेडलॉक कहते हैं, जहां दूसरे डायमेंशन में हमारे काकासी और ओबीटो एक दूसरे से लड़ते हैं, मतलब मारते हैं एक दूसरे को, और समझाता है ओबीटो को, देखो भाई साहब मैं तुमसे अब नफरत नहीं करता, क्योंकि जब तुमने मारा था मुझे पता है, देखा मेरे पास दिल भी तो नहीं है, अब तो मैं किस बात से तुम्हें नफरत करूं, दिमाग से थोड़ी कर दूंगा। फिर कहता है काकाशी क्या बात कर रहे हो, अब ढाई देता है ओबीटो को, बस इतना ही था भाई साहब, ढाई देता है ओबीटो काकाशी। ऐसा हारने के बाद अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बाहर रहता है जंग के मैदान में, जहां वो एब्जॉर्ब कर लेता है टेंटेल के हास्को को और बना देता है वो पेड़ जिसके ऊपर है एक मांगा के शारिंगान। लेकिन नारुतो और उसके दोस्त अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके निकाल देते हैं उसके अंदर से पार्ट टेंटेल, और जब उसने टेंटेल को एब्जॉर्ब किया था वो ऑफिशियल तौर पे बन चुका था टेंटेल का चिंचुरकी। फिर नारुतो स्पिरिट वर्ल्ड में जाके एक ज्ञान भरी बातें झाड़ता है अब ये अपने दोस्त को, जिसका नाम है ओबीटो, जो कि उसका दोस्त नहीं है बल्कि उसके टीचर का दोस्त है यार। चार मोटिवेशन की लाइन फेंक के मारता है नारुतो और बस मान जाता है ओबीटो, ठीक है भाई साहब तुम्हारे साथ हैं हम। इसीलिए ओबीटो अब भला हो चुका है और सोचता है कि अब यूज करेगा वो अपने दीने रीबर्थ और सारे लोगों को जो मर चुके हैं उन सबको वापस ले आएगा शक्तियों का इस्तेमाल करके, अपनी मांगे क्यों नहीं बल्कि रेनिंग गन की। पर भूल गया तो ब्लैक जस्सू जैसी कोई चीज भी है और वो यूज करता है अपनी शक्ति का और रीन रीबर्थ का इस्तेमाल करके सबको नहीं वापस लाता बल्कि बस मात्रा को जिंदा कर देता है, क्योंकि यही तो ओरिजिनल प्लान था। मात्रा वापस तो आ जाता है पर उसकी आंखें नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे करके अपने रेनिंगन इकट्ठा करना चालू कर देता है। पायलट डालता है अपना हाथ वो भी ओबीटो के अंदर और निकाल लेता है उसकी एक रेनिंगन। दूसरी रेनिंगन उसको ला के देता है हमारा व्हाइट जस्सू, और व्हाइट जस्सू गेडो स्टैचू को समन करता है और सारे टेल बीस्टों को घसीटने की कोशिश करता है अपने अंदर, और गेडो स्टैचू को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा उचिहा मादरा, और फिर बन जाता है वो दूसरा टेंटेल का जुनचुरकी ऑफिशियल वाला। नारुतो के अंदर से टेल बीस्ट निकलने की वजह से नारुतो मर चुका है, मतलब लग तो रहा है उसके दिल की धड़कने, साकुरा अपना हाथ डाल के धड़का रही है, और किसी ने खंजर सास्के के अंदर भी डाल दिया है तो वो भी जा चुके हैं इस दुनिया छोड़ के। और दोनों एक दूसरी जगह पे एक बेहतरीन इंसान से मिलते हैं जिनका नाम है हागुरोमो, देते हैं बुद्धि वाला ज्ञान, कहते तुम लोग रिबर्थ हो हमारे बच्चों का तो क्या करोगे, तुम लोग फैसला करोगे कि हराओगे किसको कि नहीं, कहते हैं हाँ बिल्कुल हरा देंगे यार। दोनों मिलाते हैं हाथ, पता चलता है कि एक है सन दूसरा है मून। फिर बाहर आते हैं दोनों यूज करके हागुरोमो की शक्तियों का, और मिल जाती है सास्के को अपनी रेनिगन जो उसके भाई वाली आग थी उसमें, नारुतो बन जाता है ऑफिशियल स्टेज ऑफ सिक्स पाथ, और हमारे गाइसेंस से यूज करते हैं अपनी पूरी शक्तियों का और खोलते हैं एट्थ इनर गेट और मादरा को बराबर एक टक्कर देते हैं। मादरा उन्हें डिक्लेयर करता है द सबसे ताकतवर इंसान ऑफ दिस जनरेशन, पर एट्थ इनर गेट खोलने की कंडीशन है कि जो इंसान उसे करता है वो उसकी मौत हो जाती है, पर हमारे पास है हमारा नारुतो, आता है दिल पे हाथ रखता है बचा लेता है उनको, और आखिरकार मादरा पहुंच चुका अपने मकसद पे और यूज करता है द अल्टीमेट शुकियोमी, यानी कि अपने रेनिगन को प्रोजेक्ट करता है चांद के ऊपर और उससे सबके ऊपर गंजुसू हो जाएगा दुनिया में भाई, यही है द अल्टीमेट शुकियोमी। सारे लोग सो जाते हैं और अपने प्रिय सपने देखने लगते हैं जो उन्हें पसंद है, मतलब जो चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में, और वो पेड़ सबको लपेट लेता अपने साथ, क्योंकि वही तो एक तरीका है सबको एक साथ जोड़ के रखने का, एक ही सपने में अलग अलग सपनों में मतलब एक साथ जोड़ के रखा है जा सके एक ही दुनिया के अंदर, और सबके सपने अलग अलग है। सुखियोमी की यही मकसद था कि जो उनके दिल की डिजायर है वो उनको पूरा हो जाए, पर अभी हमारे पास तीन लोग बचे हैं, वो तीन लोग हैं नारुतो साकुरा और सास्के के साथ साथ काकाशी हटके। मादरा कहता है तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, जो मेरा मकसद था वो मैं पूरा कर चुका हूँ, कहता है कि तुम लोग भी चले जाओ उसी दुनिया में, लेकिन पीछे से आता है एक हाथ और चीर देता है सीना वो भी मादरा उचिहा का, और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, पता चलता है कि पीछे है हमारा ब्लैक जस्सू जिन्होंने हाथ पार कर दिया इनके अंदर, और एब्जॉर्ब मान लेता है मादरा उचिहा को ब्लैक जस्सू, और पता चलता है कि जस्सू का अलग ही प्लान था, वो था मदरा फॉल चाकरा कागोया को समन करना, वापस लाना, जिंदा करना, और यह हागुरोमो की भी मदर है। और कहानी में आगे बढ़े तो बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद कागोया को ढाई देते हैं सब लोग मिलके। इस मकसद के दौरान हमारे ओबीटो इस दुनिया को छोड़ चले जाते हैं, और जाते जाते अपनी दूसरी आंख भी देके जाते हैं हमारे काकाशी को आखिरी बार इस्तेमाल करने के लिए, और फिर काकाशी की भी दोनों आंखें चली जाती हैं उचिहा वाली। फिर हमारे हागुरोमो वापस जिंदा जाते कहते देखो तुम लोग करना क्या, दोनों को साथ में एक जुस्सू परफॉर्म करना है ताकि ये जुस्सू अंडू हो सके यानी कि खत्म हो सके, तो करो हमारे सास्के मान लेते हैं हार के, देखो मजाक मत करना हम तो नहीं करने वाले, अब हमको चाहिए बदला। नारुतो का तो बदला ये क्या बात हुई भाई साहब, और फिर दोनों एक दूसरे को चलाते हैं गुस्सा, और इसकी अगर फाइट की आपको वीडियो देखनी है ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी भाई साहब, हमने एक्सप्लेन किया इस फाइट को। फाइट के अंत में दोनों हार जाते हैं, अपना हाथ खो देते हैं, और फिर दोनों एक एक हाथ से ही परफॉर्म करते हैं जुस्सू और अंडू कर देते हैं सारी चीजों को। ये सारी चीजें होने के बाद हमारे काकाशी बन जाते हैं अगले होकागे, सास्के चले जाते हैं जेल के अंदर, काकाशी होकागे बन के निकलवा देते हैं जेल से बाहर हमारे सास्के को, और ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद शुरू हो गया हमारे बरुटो, क्यों? क्योंकि नारुतो और हिनाटा ने शादी कर ली है और उन्होंने कर लिए है बच्चे जिनका नाम है बरुटो और हिमावारी, इसीलिए नई कहानी का नाम है नारुतो बरुटो नेक्स्ट जनरेशन।